से दनके के दनके औरतां काले घोर मोटे मोटे औरतां मोटे मोटे आदमी आए थे घर को मेरे पकड़े बाला उसके पकड़े तीन जना के बाला पकड़ को खींच दम आगे अटैक करे इतना बड़ा अटैक करे चाकुआ वो लटा हुए ले लेके आके पूरे लकड़ियां ले लेके गए आए आके मारना चालू कर डाले। अगर कुछ हो जाता इत्तेफाक अगर किसी की जान जानी छोती भाई अगर किसी को हो गया अफलती कुछ भी हो गया हाँ तो कौन इसके जिम्मेदार। मोहम्मद नबी है नवाब साहब कुंडे में रहता हूँ मैं। मेरी शादी होके 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में मेरे को टॉर्चरा थोड़े बहुत घर में किसके ने चलता वो हर किसी के घर में मियाँ बीवी का झगड़ा चलता छोटी मोटी सुबह में खींची थोड़ा बहस हो गई थोड़ा हाँ तो वहाँ का वहाँ ख़त्म भी करा दिए। उनके बाबा आए आके बच्ची को ले लेके चले गए सोना वोना बच्ची को ले लेके चले गए। घर का हालचाल देख लिए घर के अंदर कोई भी नहीं थे और कोई नहीं रहने की सूरत पे लोग क्या करे जाके घर में सामान वामान रख दे के 4-5 आटों में लकड़ियाँ हुए डाल ले के कर ले के जाके फलकमा PS में कंप्लेंट कर डाला और वो जने मेरे को धमकियाँ भी दिए। हमारे ससुरे साहब है फ़ोन करके भी धमकी दिए उनका नाम सलीम है फ़ोन करके दिए कि उन्हें बाहर मिला तो तेरे को मार देता हूँ तेरे को वो करता हूँ। मैं गया सब जने मेरे को बोल के रखे हुए हैं कि मार देता हूँ मेरी जान को धोखा है। मैं फलकमा PS में कंप्लेंट भी लिखाया हुआ हूँ और मेरे को बस मेरे को इंसाफ होना सर और कुछ भी नहीं। ऑटो पलट गया लोगों का कैमरे में तक आ रहा था ऑटो पलट गया तो 4 जने ऑटो उठा के पूरे इतने भर के है ऑटो तक वेट नहीं संभाल सका उन लोगों के और इतने इतने चीज़ें डाल लेके आए हुए है और आते के मारना चालू कर दिया मारने का बात नहीं कुछ भी नहीं क्या भी नहीं क्या बोले तो हम बात करने के हाथ से आए बोले तो बात करने कितने आदमी आते हैं भाई 4 आते 5 आते बहुत से बहुत 20-25 आदमी बात करने के हाथ से आते लड़ने के हाथ से आते और पूरा टॉर्चर करे और हर किसी को कुंटे में रहती हूँ भाई दोस्त नगर। मेरे बच्चे की शादी होकर 1 साल 4 महीने हो गया और शादी हुई जब से बच्ची बहुत किरकिरा कर रही है आना 4 दिन रहना फिर 15 दिन उधर 4 दिन इधर फिर बच्चों को जो है देना बाबा बुलाने आना बुलाने आके बहुत धमके देना बच्चे के साथ काट डालता हूँ मार डालता हूँ तोड़ डालता हूँ बोलना लेके बेटी को चले जाना और कब गए जब सोना चांदी सामान पूरा ले लेके जाना मामा के पास रख के आना मैं देती नहीं तेरे बाप का है क्या वो है क्या बोलना वो तो हुआ गया। फिर उसके बाद में जो है सो घर को आना लड़ना 4-5 जो है वैसा करे अब 40-50 आदमी आए 4 आटवा भर ले बच्ची के बाबा कई वजह क्या थी सुबामी बच्चे की सुबामी लड़ाई हुई मैं घर पे नहीं थी मैं सौ जग गई थी बच्ची के साथ लड़े तो बच्चे के साथ मारो तोड़ करके कतरी उसको बच्चे को बेलन सी भी मारी और बच्ची थी घर में बच्ची हमारी क्या करी उसको जो है सो बातें करी बच्चे को छुड़ाने गई तो बच्ची को भी जो है सो मारी आँख पे पड़ के मार के जो है सो गई घर को बाबा मेरे को गालियाँ दिया मैं आई बाद में सी बाप आया भाई आया आके मेरे को गालियाँ दिए बुरे गालियाँ दिए बच्चे को भी दिए बड़ी बच्ची थी उसको भी गालियाँ दिया उन्हें मेरे भाव को बहुत गालियाँ दिया उसको अरे तू ये सब बोले तो घर से लंगे पैर वर्णे न सो नीचे पूरा गली में ऐसी भाग लेते गई। अब 40 साल से है हम लोग उन लोग बस्ती के है हम लोग ऐसा आके आज तक कुछ भी नहीं हुआ अब पहली बार हो रहा है यहाँ इनकी बहू को करके ऐसा नहीं होना ना आके खुद ब खुद दो लोग आके घर में धूम धूम मचाए मारम पीटी करे हथियारियाँ भी लेकर आए मारने के आसे लटा लेके आए मारने के आसे ऐसा होता क्या तरीका हमारे पास काम करने वाला है ऐसा नहीं करना ना बच्ची के जगह आज तक उन लोग लड़ाई के नहीं झगड़े के नहीं इटाना खाता बच्चा हो बदनाम कर रहे हो लोग ये तरीका नहीं है घर के है पूरे कामों पे जाते करते अच्छा हुआ मैं घर में अकेला था बाकी के पूरे लेडीज है हाँ मैं भी सो रहा था। एक इतना बड़ा अटैक करे किसी को हमारे को खबर तक नहीं है हम क्या कौन है देखो ऐसा मार रहे हैं चाकुओं से छुरियों से लटों से जो हाथ को मिला वो अंदर रख लेके आ रहे हैं टी शर्टों के अंदर रख लेके आ रहे हैं लटा आखिरी जुल्म कर दिए भाई बहुत बड़ा जुल्म कर डाले ये पूरा अड़ेवा है यहाँ पर और पूरे हॉस्पिटल में अभी भी 2-3 जने बैठे हुए हैं घर में बैठे हुए हैं लेटे हुए हैं बहुत परेशान है और सुबह से दवाखाने को जा रहे हैं इधर से उधर फिर रहे हैं उधर से उधर फिर रहे हैं टोटली पूरा परेशान कर देके छोड़े सो है सर आँखें पूरी सूज गई पूरा एक्सरे वही आँखें के निकाल के लेके आए रोज अगर मेरे घर पे कुछ भी होगा या मेरे को कुछ होगा या मेरे फैमिली में किसी को कुछ हो जाएगा
तो उसके जिम्मेदार मेरे पूरे ससुराल वाले रहेंगे। उनका नाम है सलीम, अकबर और समीर, आमिर, और आमिर का एक भाई है, एक दो भाइया है और एक एक नबी है। ये पूरे जने आयसो है, घर पे अटैक करे सो है, और उनके तीन बहना है। तीन बहनों में से एक बहन घर में है, उन्हें बैठ के उनको सिखा रहे। उनकी भी शादी हुई थी, उनकी शादी अब तोड़ लेके इनको भी वही से सिखा रहे, फोन पे सुबह से शाम तक बात करके इनको राय दे रहे, इन्हों उनकी राय पे चल रहे। और पुलिस से उम्मीद में मैं रहयासो हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकती और कर रही भी मदद। आने के चक्कर में मेरे को भी मारे, देखो इधर मार दिए, ये इससे पे मारे, और ये लोज डाले पूरा गल्लों पे, पीछे इधर उधर जाके इतना मारे भाई, बहुत मारे। यहाँ पर आके लकड़ियाँ ले लेके आए, राटा ले लेके आए, मैं कहने सीसीटीवी कैमरे नीचे आईसो गैसो सब उसके अंदर रिकॉर्ड होता, मैं हुआ तो बता दूंगा। और ये पी ले के आके वो करके आके जो नाम ख़राब कर रहे हैं, ये नाम ख़राब करने के वास्ते साजिश कर रहे हैं बहुत बड़ी मेरे साथ में। ते मार नए मारे हम लोग हमारा बचाव करें, हम लोग किसी को नहीं मारे। वो लोग आए मारने, बात करने के वास्ते आए, बोले बात करने के वास्ते कितने जने आते सर? तीन जने, चार जने, पाँच जने आते, ये ऑटो में 20 जने 25 जने ऐसा आते जाना, ये बात करने का नहीं रहता, ये लड़ने के टारगेट में आए थे और बराबर लड़के गए लोग। अचानक आके बहुत बड़ा अटैक करे, पूरों को बाला पकड़ के मारना, आदमी आ गए, औरतें तो इतने भर लेके ले लेके आए घर के ऊपर, बहुत बड़ा अटैक करे, और थोड़े बहुत तो उसमें पहचानत के भी नहीं थे। देवर हमारे सुबह में आए थे, उनके ससुरे नीचे बगर मंडी के चले गए, बच्ची तो मैं लाने गई, उनको लाने गए तो उनके बाबा उनके बेटे दोनों आए नीचे, क्या गाले दे रहे, अदमी अम्मी फुल गाले दे रहे के चले गए। वो देख लिए, उन्होंने देख ले के आके पूरे औरतों को भी जाए आते ही अटैक करे, उन्होंने खाली बालों पकड़ के औरतों को, सब कोई नहीं था, जेंट्स एक जन ही नहीं थे घर में। उस्मानिया में देखो इतने लोग जख्मी है अभी, इतने लोग जख्मी है पूरे अभी, और पूरा गली में भी आके पूरे कैमरे वो ये भी तोड़ डाले, तोड़ फोड़ कर दिए घरों को, मारना जिसके बोले उसको। गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी, बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव और ISO सर्टिफाइड, 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफायाब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली दवाओं से तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिनसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मल और जनाना मरीजों के लिए अलायदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है।